बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मंजूर की नंद गोपाल नंदी की जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी को दोषी करार दिया था और 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान हमले का आरोप इन पर लगा था। सपा प्रत्याशी रेवती रमन सिंह पर हमले का आरोप लगा था। तो हाईकोर्ट से ये राहत मिली है कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को। हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने मंजूर की नंद गोपाल नंदी की जमानत, ये बड़ी राहत है। एमपी एमएलए कोर्ट ने नंद गोपाल नंदी को दोषी करार दिया था। इसी पर और जानकारी के साथ हमारे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, क्या डिटेल्स हैं, ये राहत है नंद गोपाल नंदी के लिए? जी बिल्कुल, ये 2014 का जो लोकसभा चुनाव था जिसमें मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस पूरे मामले में 25 जनवरी को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने नंदी को एक साल की सजा सुनाई थी। उस सजा को उनके द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई करते हुए जो सजा थी, सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है और उन्हें अंतरिम तौर पर जमानत दे दी है। हालांकि ये मुकदमा आगे चलता रहेगा, उसके बाद डिसाइड होगा, लेकिन तब तक के लिए सजा पर रोक रहेगी। और साथ ही साथ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को जमानत भी मिल गई है, उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जो एक खतरा मंडरा रहा था कि अगर जमानत नहीं मिलेगी तो आगे का दूसरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता, तो उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान का ये पूरा मामला है मोइन? जी बिल्कुल, ये 2014 का लोकसभा चुनाव का मामला है। उस वक्त मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने समाजवादी पार्टी से तत्कालीन सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह थे और उनकी रेवती रमण सिंह की जो चुनावी सभा थी उसी चुनावी सभा में हंगामा हुआ था, मारपीट हुई थी और आरोप ये है कि सभा में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने हंगामा किया था, मारपीट की थी, हमला किया था और उसी मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कुछ धाराओं में एक साल की सजा सुनाई थी। तो ये सजा इस निचली अदालत से सुनाई गई थी, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को जमानत दे दी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत ये नंद गोपाल गुप्ता नंदी के लिए है। बहुत धन्यवाद मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।